तो दोस्तों आपने देखा किस प्रकार से इफ वी टॉक अबाउट अ ग्रीन एनवायरमेंट अ ग्रीन मूवमेंट देन समवेयर द मूवमेंट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम विद इन. दैट्स व्हाट डॉक्टर बागी वन ऑफ द गेस्ट इन द स्टूडियोज राइट नाउ विद अस टोल्ड अस. एक बहुत अच्छा मैसेज आपके लिए जाता है कि अगर आप कोई चेंज चाहते हैं सोसाइटी के अंदर फॉर द बेटर देन यू हैव टू बी द चेंज योर सेल्फ फर्स्ट. लेट्स नॉट जस्ट टॉक अबाउट इट बट ऑल्सो स्टार्ट वॉकिंग ऑन दैट पाथ टू बिकम द चेंज दैट वी विश टू समवेयर अचीव इन आर सोसाइटी एंड ऑल्सो इन आर लाइव्स. आगे बढ़ते हुए हम आपको अब दिखाएंगे स्किल इंडिया इनिशिएटिव जो लिया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा और उनकी गवर्नमेंट के द्वारा. इसके अंतर्गत एक कौशल विकास योजना है विच टॉक्स अबाउट स्किलफुल इंडिया अबाउट हार्नेसिंग ऑल द मैन पावर दैट वी हैव इन द सोसाइटी टूडे टू डेवलपिंग देयर स्किल्स एंड पॉलिशिंग देम एंड हेल्पिंग अस बिकम बेटर skilled individuals overall also and also as a good resource that can be used somewhere in the economy. That is what this entire yojana jo hai kaushal vikas yojana iske bare mein baat cheet karti hai. Aaiye dikhate hain aapko is yojana ke bare mein ab thodi aur jankari. Vikas aur tarakki ke raste par aage badh rahe bharat ka ek bada hissa yuvaon ka hai. Yuva hamesha se hi kuch rachnatmak karne ki koshish karte rahe hain. देश की उम्मीद और भविष्य युवा ही है. ऐसे में सरकार की कोशिश युवाओं को तकनीकी रूप से समृद्ध बनाने की है जिससे न सिर्फ वो आत्मनिर्भर बन सकें साथ ही राष्ट्र के विकास में अपना रचनात्मक योगदान भी दे सकें. इसके बाद डिपेंड करता है कि आप सब पे कि आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है. आर यू इंजीनियर, आर यू आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर है या क्या है. वी विल ट्राई कि आप हम उसको आपको बेसिक से लेके चले ताकि आप आगे जाके जब आप जिस जगह पे अपना इंटरव्यू देते हैं दे शुड नो कि एक्चुअल में आपने जो सीखा है क्या वो बिल्कुल राइट डायरेक्शन का था. करंटली वी आर वर्किंग विद एनएसडीसी एंड विद द स्किलिंग इंडिया मिशन टू ट्रेन इंजीनियर्स एंड डिप्लोमा इंजीनियर्स एंड आईटीआई पीपल टू बी एम्प्लॉयड इन द डिजाइन इंडस्ट्री. नाउ वी हैव समथिंग कॉल्ड इंजीनियरिंग डिजाइन आउटसोर्सिंग वेयर लॉट ऑफ foreign engineering companies are coming to India to set up their design work. To get employed in the design work, we need high quality engineers with a lot of design software skills. So CAT Center working exclusively with the government on the engineering design outsourcing front to provide engineers with a lot of design skills. युवाओं में कार्य कुशलता को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की है. इस योजना के सकारात्मक परिणामों ने युवाओं को एक नई दिशा देने में अहम भूमिका निभाई है. इसी कार्यक्रम के तहत दिल्ली के कैड सेंटर में इंजीनियरिंग के छात्रों को रोजगार परक ट्रेनिंग दी जा रही है. मैंने 10 साल पहले इंटीरियर डिजाइन का कोर्स किया था. अब इंडस्ट्री में काफी चेंज आ गया है, सॉफ्टवेयर्स और आ गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ता है आगे बेहतर बनाने के लिए क्योंकि इंडस्ट्री की डिमांड है आज. अगर हमारे पास नॉलेज होगी, स्किल्स होगी, ट्रेन्ड मैन फोर्स होगा तो तभी वो बेहतर काम कर पाएंगे और तभी तरक्की कर पाएंगे हम लोग. आज की डेट में स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज आज की डेट में बहुत कम है सबके पास. सब थ्योरेटिकल नॉलेज बुक्स वगैरह स्कूल में और कॉलेज में ज़्यादातर थ्योरेटिकल नॉलेज और थ्योरेटिकल पेपर्स होते हैं, प्रैक्टिकल पेपर बहुत कम होते हैं. जो स्किल इंडिया स्टार्ट हुआ है इसमें बहुत ज़्यादा हमें हेल्प मिलेगी. ये बहुत फायदेमंद चीज़ है क्योंकि खाली हम रिटन नॉलेज से और स्कूलिंग और कॉलेज लाइफ से हम आगे कुछ भी नहीं कर सकते. अगर हमें प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आना है, प्रैक्टिकली हमें चीज़ें करनी है तो हमें प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी ही पड़ेगी. मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ जो गवर्नमेंट ने ये स्किल इंडिया कैंपेन शुरू किया है क्योंकि इसी से लोग और एजुकेशन की तरफ बढ़ेंगे, थोड़े लिटरेसी बढ़ेगी, इंडिया में लिटरेसी बढ़ेगी और इंडिया आगे बढ़ेगा. ये सॉफ्टवेयर से जो मैं इस टाइम सीख रहा हूँ आगे जाके मुझे जॉब लेने में हेल्प करेंगे, वहाँ पे बेटर परफॉर्म करने में हेल्प करेंगे. गवर्नमेंट के बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि आप स्किल हो जाइए एंड आपको जॉब मिल जाती है उससे. क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज से आपको स्किल नहीं मिलती, आपको फील्ड पर जाके आपको कुछ पता ही नहीं होता थ्योरेटिकल नॉलेज से. यहाँ से हम सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं इससे ही हमें नॉलेज मिलती है. बेनिफिट तो है बिकॉज पहले तो मेरे को इस बारे में कुछ पता भी नहीं था और अब जब से पता चला है तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा बेनिफिट तो है. अगर किसी को इंटीरियर्स के फील्ड में, आर्किटेक्चर के फील्ड में, कोई भी फील्ड में जाना है तो पहले उसकी अच्छी नॉलेज ले लीजिए, उसके बाद जाके किसी के अंडर काम कीजिए.
आपके लिए बेटर होगा, बिकॉज फिर टाइम वेस्ट ही होगा किसी की, आप अंदर जाओगे फिर वो बाद में आके आप सॉफ्टवेयर करोगे, तो इससे बेटर है कि आप पहले सॉफ्टवेयर उस कोर्स के अच्छे से नॉलेज ले लीजिए फिर जाके आप कीजिए। आधुनिक समय की मांग के अनुसार यहाँ सॉफ्टवेयर आधारित प्रशिक्षण पर ज्यादा जोर देखने को मिल रहा है, इसके कई लाभ है। इंडिया हैज लॉट ऑफ इंडस्ट्री, वी हैव लॉट ऑफ पॉपुलेशन, बट वी डू नॉट हैव trained manpower to take care of the jobs that is coming in. And for India to attract a lot of industries, a lot of international companies to come into this country, we have to have skilled manpower, we have to have right skills so that they are able to get their work done at an optimum price. When the skills are not available, the cost of the skill will become expensive, though, so the foreign companies, the foreign investment will not come into India. To attract foreign investment, we have to have high quality skills which is readily available at the optimum cost. So the government is taking initiative to keep the cost under control and to have large pool of trained manpower who are readily available for the international community. सरकार के साथ इस केंद्र की कोशिशों के परिणाम सामने आ रहे हैं। यहाँ ट्रेनिंग ले रहे ज्यादातर छात्र पूरी तरह संतुष्ट नजर आए। टेक्निकली और प्रैक्टिकली मेरे को सारा हेल्प करेगा, जैसे मैं अगर कोई इंजीनियरिंग या सिविल की फील्ड में जाता हूँ, सिविल की फील्ड में जाता हूँ या इंटीरियर की फील्ड में जाता हूँ, उसमें मेजरिंग हो गई, सारा कुछ हो गया, ड्राइंग्स हो गई, प्लान्स हो गए, एलिवेशन हो गए, उस अकॉर्डिंग हेल्प बनाने में हेल्प करेगा और एग्जीक्यूट करने में हेल्प करेगा। जो भी हमें वहाँ पे जब जॉब्स मिलेगी तो हम इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से उनके लिए बेटर डिजाइन बना सकते हैं, बेटर मैपिंग कर सकते हैं, एरिया का बेटर यूटिलाइजेशन हो सकता है। हम अपने डिजाइन इस पर शो करके बना के रियल व्यू दिखा सकते हैं, सामने वो देख के अच्छे से समझ सकते हैं। जब तक नहीं करेंगे हम, कई चीजें हैं कि बोल के हम बार बार नहीं बता सकते कि कैसे वो डिजाइन लगेगा। बहुत जरूरी आज के टाइम में कि अपने आप को स्टेबल करें, अपने आप को अपने पैरों पर खड़े करें ताकि आपको कोई भी आगे प्रॉब्लम ना हो लाइफ में। मैं इंटीरियर डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर्स लर्न कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपना बिजनेस डेवलप करना है। मेरा खुद का एक इंटीरियर डिजाइनिंग फर्म है। एक स्किल्ड बिजनेस वुमन बनना ज्यादा अच्छा है, बिकॉज मुझे खुद नॉलेज होगी तो ही मैं इम्प्लीमेंट करवा पाऊंगी जो, और अपने एम्प्लॉयज को सिखा पाऊंगी कि ठीक है मुझे ये चाहिए। इस तरह की योजना से युवाओं को ये भरोसा हो रहा है कि सरकार हर कदम पर उनके साथ है। The government is taking initiative in the next 6 years. By 2022, we would like to develop about 40 crore jobs, 40 crore certified workforce, and about 15 crores new employees. Government is working with a lot of private, lot of public, lot of parties to make sure we achieve the target. In the year 2020, they are expecting 200 lakh crore worth of order is going to come for engineering design outsourcing. To service that, we need thousands of engineers, high quality engineers. CAT Center is working on developing high quality engineers, and CAT Center also working with different verticals like multimedia, interior design, fashion design, grooming, and electronic design automation, project management, effective execution of projects. So CAT Center works in about offers about 40 different courses across 680 outlets in India and abroad to train people on specialized design skills. वो स्किल इंडिया के तहत अपनी कार्य कुशलता बढ़ा रहे हैं और आने वाले समय में अपने भविष्य को उज्जवल बना रहे हैं।